हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही गुणकारी सब्जी की रेसिपी, जिसे बहुत कम ही लोग खाते होंगे या जानते होंगे। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है, जिसे मटन के साथ कंपेयर किया जाता है कि जितने गुण और जितनी अच्छाई मटन में है, वो सारे या उससे ज़्यादा ही इस सब्जी में है। इसे हमारे यहाँ कहा जाता है चठैल, और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे खोखसा या खेकसा, कंटोला, ऐसे कई नाम हैं। तो आइए आज हम बनाएंगे इसका भुजिया, बहुत ही सिंपल और देसी स्टाइल में, और बहुत ही कम और बेसिक मसालों के साथ। सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसके पतले पतले या मीडियम साइज़ के पीसेस काट के तैयार करेंगे। ये सब्ज़ी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हो हमारा जो कंटोला है वो अच्छी तरह से धुल के पतले पतले पीसेस में कट चुका है। अब बारी है इसे फ्राई करने की, जिसके लिए हमने यहाँ गैस पे पहले से ही चढ़ाया हुआ है कढ़ाई। और ये अच्छे से हो चुका है गर्म, और इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। और अब बारी है इसमें डालने की अपने फ़ौरन की, जो मैंने यहाँ डाला, गोटा जीरा, 5 फ़ौरन और अजवाइन, जो मैं अपने भुजियों में डाला करती हूँ। इससे भुजिए का स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब इस तरह से फ्राई हो जाए तो अब मैं डालूँगी ये एक जो है लार्ज साइज का प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इन सभी को अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना चठैल, जो मैंने काट के रखा हुआ है। अब जबकि हमारा प्याज हो चुका है अच्छे से लाल, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपने कटे हुए चठैल। चठैल को डालने के बाद इसमें बारी है कुछ स्पाइसेस को डालने की, जिसमें ऐड किया है मैंने हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, सब्जी मसाला पाउडर थोड़ा सा, और कसूरी मेथी। इन सभी को डालने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, 10 से 15 मिनट तक अलग पलट करके लो फ्लेम पे हमें अपने भुजिए को ढक ढक के बनाना है, और फिर एक टेस्टी और हेल्दी सा भुजिया बनके हो जाएगा तैयार इस तरह से। तो व्यूअर्स, हमारा भुजिया जो है वो लगभग 90% से भी ज़्यादा पक्के हो चुका है तैयार। अब मैं इसे 1-2 मिनट इसी तरह से जो है और थोड़ा सा लाल कर लूँगी, और हमारा देखिए चठैल का भुजिया कितना अच्छा बनके हो गया है तैयार। ये एक हेल्दी सब्जी है, आप इसे ज़रूर से घर पे बनाकर ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हो हमारा गुणकारी भुजिया बनके हो चुका है तैयार। 20 मिनट के इस प्रोसेस के बाद आपको मिलेगा एक टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही अच्छा सा सब्जी, जिसे आप दाल चावल के साथ या फिर रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हो। कुदरत ने जो हमें सब्जी के तौर पे जो औषधि दी है, जो फ़ायदे उठाने चाहिए, हमें इसे खा के उठाना चाहिए। साल में 1 से 2 बार आप इस सब्जी को ज़रूर से ट्राई करें, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करें। सो बाय।